बुलंदशहर में कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल समेत सरकारी व निजी अस्पताल के संचालकों को कोरोना वायरस के मिलते जुलते लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। वहीं जिला प्रशासन चीन से आने वाले हर व्यक्ति के आगमन पर नजर बनाए हुए है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज होने की बात कही गई है, हालांकि अब तक इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। स्वास्थ्य अफसरों ने जिले के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि जिले में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं पाया गया है। जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए अलग से वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से जिले से चीन की ओर आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चीन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी। सीएमओ ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संदिग्ध लक्षण वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वायरस को लेकर डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। सर, उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में हाई अलर्ट घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। कोरोना जैसी जो बीमारी है, चाइना से चलकर वायरस बीमारी बताई जा रही, किस तरह के निर्देश हैं और ये क्या बीमारी है? ये जो कोरोना बीमारी है, जो बैक्टीरिया है, ये जो है पूरा का पूरा वायरल डिजीज है। तो हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं लगता, भारत में तो अभी इस तरह का कोई केस सुनने में आया, अभी कोई केस है नहीं। और इसके जो शुरुआती लक्षण हैं, नाक से पानी बहना, जुकाम होना, खांसी होना, बॉडी एक पूरे शरीर में दर्द होना, शरीर का ठंडा होना, तो ये इसके शुरुआती लक्षण हैं। इससे बचाव के लिए बस सबसे ज़रूरी तो ये है कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें अवॉइड की जाएँ। और यदि कहीं ऐसा कोई मरीज़ देखने को मिलता है तो उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा जाए, उसको बिना प्रिकॉशन लिए ना देखा जाए। सर, आपके अस्पताल में किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं आप डॉक्टरों को? अभी हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से किसी तरह का कोई निर्देश आया नहीं है, हालांकि सुनने में तो चीज़ें आ रही है, आएगा तो सब चीज़ें फॉलो करेंगे। सर, चाइना से कोरोना जैसे वायरल का एक घातक बीमारी इन दिनों भारत में और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया, क्या बचाव है, किस तरीके के निर्देश आपको दिए गए शासन की तरफ से? आजकल रोज़ मीडिया में हम पढ़ रहे हैं कोरोना वायरस ये है, ये एक तरह का फ्लू जैसे इसके सिम्टम है, स्वाइन फ्लू में जैसे थे, ये एक तरह से ये मान लीजिए स्वाइन फ्लू का बिगड़ा हुआ रूप है। ये उसी प्रजाति का वायरस है जिसके अंदर आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है और बुखार होता है। और इसमें अधिकतर ये केस, ये जितना भी इसके वायरस पाया गया है, ये चाइना के वुहान शहर है, वहाँ उसके आसपास के एरिया में वहाँ पर केस पाए गए हैं, वहाँ हाई अलर्ट घोषित किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ देश से अधिकतर बच्चे पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के लिए चाइना जाते रहते हैं, तो अधिकतर इसलिए हमारे देश में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है कि जो जितने भी ऐसे बच्चे या लोग जो चाइना की यात्रा कर चुके हैं पिछले 14 दिन में, उन लोगों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। और उन पर अगर इस तरह के कोई सिम्टम मिलते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो उनको आइसोलेशन वार्ड में जो कि जिला अस्पताल में बनाया गया उसमें रखा जाएगा और उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। अच्छा सर, इसमें नॉर्मली सांस लेने में दिक्कत होती है और कई बार वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक स्पेशल एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के स्तर से करी गई है और उनके ऐसे केसों पर नज़र रखा गया। हालांकि इसमें पैनिक होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस इसमें हमें अपने सभी वर्कर्स को सेंसिटाइज करना है ताकि वो अगर हमारे किसी क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि चाइना से लौट के आया है पिछले 14 दिन के अंदर या वहाँ की यात्रा करके आया है, उसके हमें तुरंत सूचना मिल सके ताकि हम प्रतिदिन उससे टेलीफोन पर सूचना प्राप्त कर सकें उसे इस तरह के कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर सिम्टम होते हैं उसे हम तुरंत स्पेशल एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करेंगे और उस हिसाब से रखेंगे। इस संबंध में कल माननीय प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है, सभी जगह जिलों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सभी जगह के चिकित्सा अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आइए अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस के बारे में। नोवेल कोरोना वायरस अकेले कोरोना वायरस नहीं है, यह कई वायरस का समूह है। यह भी जानवरों से फैलता है। इस वायरस से निमोनिया होता है। कफ, बुखार और सांस लेने में तकलीफ इसके शुरुआती लक्षण हैं। निमोनिया के बाद मरीज की स्थिति ऑर्गन फेलोयर तक जा सकती है, चूंकि यह वायरस निमोनिया है।
ऐसे में इसके खिलाफ एंटीबायोटिक बेकार है, एंटीवायरल ड्रग्स का भी कोई असर नहीं होगा। अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति में लंग्स और बाकी ऑर्गन्स को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। रिकवरी कब और कैसे होगी यह सिर्फ व्यक्ति के इंज्यूम सिस्टम पर निर्भर करेगा। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस के लक्षण का जिले में अभी तक कोई रोगी नहीं मिला है, ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। एहतियातन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के सभी अफसरों व निजी अस्पतालों को अलर्ट दिया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस तरह स्वाइन फ्लू फैलता है वैसे ही कोरोना वायरस भी फैलता है। देखिए बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह है। अच्छा, आप सरकारी अस्पताल में आए हो? जी हाँ। और दवा लेने आए हो? एक चाइना से बीमारी कोरोना के नाम की वायरल हो रही है। हाँ। तो उससे आपको मालूम है क्या? मालूम है। किस तरीके की बीमारी है वो? वो तो बहुत घातक बीमारी है। अच्छा, बुलंदशहर की तरफ से डॉक्टरों की तरफ से हाई अलर्ट है, दवा पेशेंटों के लिए जागरूक, दवा के लिए अस्पतालों में व्यवस्था की गई है, और आपको बताइए। ठीक है, जो दवा मिलेगी उसे इस्तेमाल करेंगे। सर आपको क्या बीमारी है? मुझे तो मुझे कहा गया था खांसी है इस वक्त और बीपी कुछ लो सा। बुलंदशहर में कोरोना वायरस भयंकर बीमारी को लेकर के जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है सांस लेने में दिक्कत और खांसी जुखाम जैसी बीमारियों को गहराई से लिया जाए। जैसे भी कोई सांस लेने में दिक्कत आती है तो जिला प्रशासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं, उसको आदेशित किए हैं कि जो भी भयंकर बीमारी से कोई भी व्यक्ति नज़र आता है उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। कैमरामैन विकास पर्सन के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, बुलंदशहर। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।